तो आज की वीडियो में होने वाला है बैंक के खिलाफ शिकायत और कैसे कहां करें। बहुत लोग बैंक जाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और भी किसी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बैंक से तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। एंड चलिए अभी कुछ स्टेप जान लेते हैं आप किस मामले पर इनके शिकायत कर सकते हैं बैंक वालों की। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अभी जान लेते हैं कुछ स्टेप है। और रुपया लेकर जाते हैं किसी रीजन से वो नहीं लेते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं, इसके पूरे डिटेल में बात करेंगे पूरा। अभी हम स्टेप कुछ शॉर्ट बता दे रहा हूँ। RBI द्वारा निर्धारित समय पर काम न करना, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट के भी अगर आपका खाता जबरन बंद कर दिया जाता है, आप उनको बोलते हैं खोलने के लिए तो वो नहीं खोलते हैं, तो आप उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। RBI डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड निर्देशन का उल्लंघन करने पर आप उनको भी शिकायत कर सकते हैं। RBI द्वारा निर्धारित ब्याज कर देना और निर्देश ब्याज की दर से अधिक ब्याज लेना, आप उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक आपका अकाउंट खोलने से मना करती है एंड जबरन बंद करती है, आनाकानी कर रही है, तो उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। बैंक की लापरवाही की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से चेक भुगतान आपको देरी से दे रहे हैं, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए अभी हम पूरा स्टेप बैंकिंग का जान लेते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम चलिए फॉलो आपको कुछ बताते हैं। पहले अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका कोई भी दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम बैंकिंग से, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अक्सर लोग बैंक में आना जाना लगा रहता है क्योंकि बैंक के ऐसे जगह है जहां पर अपने लोग पूंजी जमा सुरक्षित रखते हैं। बहुत से लोग बैंक से संबंधित कार्यों का अक्सर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको बचत खाता, उधार खाता और लोन से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो बैंक आपको टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती है जिससे आप बात कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप वहाँ नंबर देख के कॉल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर दिए गए टोल फ्री नंबर बैंक घर बैठे कॉल सेंटर लोगों से तो आप बात कर लेते हैं, बट वो लोग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाद में व्यक्ति फिर से बैंक में वापिस जाता है, अपना शिकायत अनसुना कर देता है, बैंक वाले अनसुना कर देते हैं। अक्सर व्यक्ति बैंक की इस प्रकार की खामियों से परेशान होना पड़ता है। उचित और अधिकारियों की जानकारी न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं करता है, उसकी शिकायत का निवारण नहीं हो पाता है। लेकिन भारत में उपभोक्ता इस तरह से बैंक संबंधित मामलों में किसी प्रकार का कमजोर नहीं है। अगर आपकी किसी भी तरह से बैंक के खिलाफ शिकायत, तो इन तीन तरीकों से आप बैंक संबंधित उपभोक्ता का शिकायत कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले वो कौन सा है। शिकायत सेल, आप सबसे पहले बैंक में जाते होंगे तो वहाँ पे एक शिकायत सेल एक टैगर रहेगा, रेड रेड वहाँ पे दीवार पे लगा रहेगा। शिकायत सेल के जरिए अपनी आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। बैंक के शिकायत सेल में जाकर अधिकारियों को अपनी बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एंड इनका टोल फ्री भी नंबर होता है, आप उन पे भी बात कर सकते हैं। हर बैंक के पास अपना एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, हर बैंक का टोल फ्री नंबर अलग अलग होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। जिस बैंक का है उसी टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिएगा, तभी आपका निवारण हो पाएगा। तो अधिकतर राष्ट्रीय बैंकों का एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर कॉल करके कोई भी कंज्यूमर का बैंक के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब बाद में वो आपको कंप्लेन नंबर देंगे, आपको बैंक नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत को स्टेट प्राप्त कर सकते हैं। जब बैंक शिकायत दोबारा बताते हैं, आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के सामने पूरी बात आपको दोहरानी नहीं पड़ती है। दूसरे तरफ बैठकर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके द्वारा रजिस्टर करवाई गई शिकायत की जानकारी हो जाती है। आपकी शिकायत करने पर भी बैंक आपकी शिकायत अनदेखा करती है तो आप बैंक लोकपाल अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर हर उपभोक्ता के पास बैंकिंग लोकपाल एक सटीक अधिकार है, बैंकिंग लोकपाल में बहुत ही उच्चतर अधिकारी होते हैं जिनसे RBI बैंक संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण करने के लिए उपनियुक्त, जिनके दफ्तर में अधिकतर राजधानी होते हैं, और इनके अंतर्गत अधिकारी प्रतिनिधि आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, आप इनसे जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। सही वीडियो में यही, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम जैसे वीडियो कोई लाता हूँ तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं।